जी गुरु जी को अलग आदेश, माँ भगवती को अलग आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलग आदेश, आप सभी को आदेश आदेश। जैसा मैंने बताया कि तंत्र का महासमय चल रहा है, अभी तांत्रिक सबसे ज़्यादा सक्रिय रहते हैं। क्या चंडी पूजा 9 दिन, उसके बाद काली की पूजा, उसके बाद भैरव जी की पूजा, बीच में योगिनियों की पूजा आती है, और तारा पूजा और अमवागाछी मेला से ये समय शुरू हुआ है। इस समय में कुछ ऐसे समय होता है जब तंत्र बंधन होता है, जिसमें दसों दिशाओं को बांध दिया जाता है। लेकिन ये जो दशा बंधन रहता है ना, ये जो दिशा बंधन रहेगा, वो लंबे तंत्र को चलने के लिए होता है, जो बड़े बड़े जादू चलते हैं उसके लिए। लेकिन जो अल्प तंत्र होता है वो छोटा मोटा असर होता रहता है, और इन सब समयों में टोना टोटका का जो होता है वो प्रयोग ज़्यादा होता है। तो आप देखोगे कि छोटे बच्चों का तबीयत खराब होना, वृद्ध लोगों का तबीयत खराब होना, आम व्यक्ति का फाइनेंसेस डिस्टर्ब होना, रिलेशनशिप प्रॉब्लम होना, और पूजा में मन ना लगना, ये बहुत आम चीज़ हो जाती है इस समय में, ठीक है। तो इसके लिए एक छोटा सा प्रयोग आप लोगों को बता रहा हूँ नरसिंह भगवान का। इसके लिए आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए एक चाकू लोहे का, एक धागा चाहिए जिसका झाड़ा करना है उसके लिए, और थोड़ा सा गूगल चाहिए। क्या करना है आपको? जो मैं मंत्र आपको बताऊंगा, उस मंत्र को पढ़ के और 7 बार जो रोगी है उसके सर के ऊपर से उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे, ठीक है। इतना करने के बाद एक काला धागा लेंगे और उससे 5 बार पीड़ित व्यक्ति का जो पाँव का अंगूठा है उसको लेटा करके पाँव के अंगूठे से उसके सर तक को 5 बार नापेंगे, ठीक है। इसके बाद इस धागे को सामने रखेंगे और उसके बाद जो मंत्र मैं बताने जा रहा हूँ उसको बोल के गूगल का धुनी देंगे। धुनी देने के बाद ये जो धागा है वो उस व्यक्ति को आप पहना देंगे, ठीक है। तो उससे जो भी उसका वर्तमान में जो शक्ति उस पर आरूढ़ है वो हट जाएगी और उसके बाद वो कभी प्रवेश नहीं कर पाएगी। तो मंत्र क्या है, मंत्र सुनिए। ओम नमो आदेश गुरु जी को। अपर कोश, बिगड़ कोश, प्रहलाद राग, पाताल राख, पांव दे बीज, जंघा देवे कालिका, मस्तक राखे महादेव, जो कोई इस पिंड प्राण को छेद छेद, देव देवता भूत प्रेत, डाकनी शाकनी, कंठमाला तिजारी, एक पहर दोपहर सांझ सवेरे को किया कराए को स्वाहा पड़े, इसकी रक्षा नरसिंह जी करे। इस मंत्र को जिसको करना है वो 108 बार जाप ले तो ये मंत्र और प्रभावी हो जाता है। एक बार इस मंत्र को जाप लिया, उसके बाद जिस भी आप लोहे के चाकू से कर रहे हैं 7 बार पढ़ के उस पर फूका और मंत्र पढ़ते हुए झाड़ा दिया, मतलब जो मैंने बोला क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो भी पीड़ित है उसके सर के चारों तरफ इसको घुमाएंगे। ऐसा करने से उसके ऑरा सर्कल में जो भी अनवांटेड एनर्जी है, जो हम कहते हैं ये नज़र लग गया, वो या कोई भी अनवांटेड एनर्जी होगी जो भी फंसी हुई है वो निकल जाएगी। एक बार निकल गया तो फिर उस शरीर का बंधन कर देना होता। तो बंधन करने के लिए 5 बार नापेंगे मंत्र पढ़ते हुए उसके पैर के अंगूठे से लेकर के उसके सर तक को, और उसके बाद गूगल का धुनी देंगे उस धागे को रख के। धुनी देंगे मतलब धागा रखा उसके सामने, या धागा एक हाथ में रखो, नीचे छोटा सा धुना जलाओ, उसमें गूगल की आहुति देते रहो, उसका जो धुआं है उस धागे में पड़ गया, आपका काम हो गया। फिर उसी धागे को लेकर के जो भी व्यक्ति है उसका बंधन कर दो, मतलब उसको हाथ में पहना दो, पाँव में पहना दो, गले में पहना दो, वो आप पे है कि आपका पहनाते हो। लेकिन ऐसा करने से वो बंधन हो जाएगा और फिर उसको किसी भी तरीके का जो बाहरी शक्ति है वो टच नहीं कर पाएगा। देखो, काला जादू चलाना बहुत मुश्किल होता है जो मैंने बोला है, लेकिन छोटा छोटा टोटका, टोना टोटका क्या होता है, ये आपके एनर्जी सर्कल में, आपके आभा मंडल में कुछ ऐसा मेटाफिजिकल वस्तु डाल दिया जाता है जिससे आपका एनर्जी सर्कल डिस्टर्ब हो जाए। एक बार एनर्जी सर्कल डिस्टर्ब होता है तो उससे जो आपका मेंटल सेटअप है वो बिगड़ता है, और फिर उससे आपका जो बायोलॉजिकल बॉडी है वो खराब होने लगता है।
ठीक है, इसीलिए टोना टोटका से बच के रहना चाहिए। और ये छोटा सा एक विधान है, इसको करिएगा तो आप इस तंत्र के पीरियड में सुरक्षित रहिए। आज के लिए इतना ही। जिनको बेसिक साधना सीखनी है, जिसमें कि आसन बंधन, दिशा बंधन और जो भी गुरु मंत्र गोद में लेने से पहले विद्याएं होती है जो आपको जाननी चाहिए, तो उसके लिए आप मेरे पेड व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। नंबर है 9431188585। ये एक पेड साधना है। जिनको डायरेक्ट बात करनी है वो कॉल मी फॉर ऐप डाउनलोड करिए ऐप स्टोर या प्ले स्टोर से। उसमें rudranath@cm4 आप सर्च करेंगे तो मेरा प्रोफाइल मिलेगा, आप उस पर मुझे कॉल कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए, विस्तार में बात करने के लिए अपॉइंटमेंट लीजिए। वो व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिएगा तब भी आपको लिंक मिलेगा, या फिर www.agortantraji.com पर चले जाइए। आज के लिए इतना ही। माँ भगवती आप लोगों को सुरक्षित रखे ऐसी मेरी कामना है। आप सभी को आदेश आदेश अलग आदेश।